हेलो एंड वेलकम टू द क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नेक्स्ट क्लास में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये पढ़ते हैं। द टर्म रूल ऑफ लॉ मीन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी विच रेफर्स टू ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ द मैन। सिंपल सी बात है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर कि शासन है किसका, लोगों का नहीं। यहाँ लोगों से मतलब क्या है, देखिए लोगों से यहाँ मतलब है जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास जब हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन, तो वहाँ पर भी बताया था कि मोनार्ची में क्या होता था, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सभी का सब काम का होता था मोनार्च के पास होता था। तो यहाँ पर ये वाली स्थिति की बात हो रही है कि जो मैन है, किंग है, उनके हाथ में नहीं है कानून। किसका राज है? कानून का राज है। और वो जो कानून है वो किसी किसी इंसान के हाथ में नहीं है। बेसिकली ये भी इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी का ही जो है क्या करता है, डेमोक्रेसी की ही इम्पोर्टेंस को एस्टैब्लिश करता है। तो रूल ऑफ लॉ कानून का शासन है। अब ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पहला तो समझिए इस बात को कि जो रूल ऑफ लॉ है कानून का शासन, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। प्लेटो ने, एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने, सभी ने इसके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलते हैं, US के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज की डेट में मिलते हैं, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो इसी के जो पायनर थे, मींस जो ओरिजिनेटर कहे गए, वो कहे गए सर एडवर्ड कोक। हालांकि मैंने आपको बताया उनसे पहले भी बहुत लोगों ने रूल ऑफ लॉ को इम्फेसिस किया, रूल ऑफ लॉ को कहा कि इम्पोर्टेंस बताई, लेकिन जो जनरली माना गया ओरिजिनेटर वो माना गया एडवर्ड कोक को। उनके बाद AV डाइसी, इन्होंने इस डॉक्ट्राइन को डेवलप किया जो कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। और डेवलप करने के बाद उन्होंने कहा कि तीन डिफरेंट चीज़ें आती हैं रूल ऑफ लॉ में। क्या? पहली बात उन्होंने बोली सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरी बोली इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरी बोली प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब वन बाय वन इनको समझते हैं। पहले कहा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को समझने के लिए डाइसी की एक बात को समझना होगा। ये डाइसी कहते हैं एक होता है आर्बिट्री पावर, क्या होता है आर्बिट्री पावर यानी कि मनमानी चलाना, और एक होता है डिस्क्रिशनरी पावर। तो डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को समझाते हुए दोनों को एक ही बात कही है। उन्होंने कहा कि जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा वो सुप्रीमेसी लॉ की होगी, लॉ सुपीरियर होगा। यहाँ पर आर्बिट्री पावर नहीं दी जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी जाएगी। देखिए जब सर एडवर्ड कोक ने रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया था, ओरिजिनेट किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो किंग होते हैं वो भी गॉड के अंदर काम करते हैं, मीन्स भगवान के अंदर काम करते हैं और कानून के अंदर ही काम करते हैं। उन्होंने भी इसी तरीके से कहा कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव कौन, किंग। तो जो किंग है वो क्या हुए, इन्फीरियर हुए एज कम्पेयर टू गॉड एंड लॉ। तो जो कंसेप्ट है ना, कहते हैं किंग कैन नॉट डू रोंग, वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कंसेप्ट को हिला करके रखा हुआ है रूल ऑफ लॉ ने। तो यही बात है, कैन डू नो रोंग वाली बात यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं होती। तो ये इसीलिए सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब यही है कि ना तो हम आर्बिट्री पावर दे रहे हैं ना हम डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं। और जो डाइसी है ना, डाइसी ने कहा कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर, यानी इंग्लैंड में बोलते हैं कि वहाँ पर पहले से ये चीज़ें हैं। मतलब कौन सी चीज़ें, कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, वहाँ पर आर्बिट्री डिस्क्रिशनरी पावर है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जर ये आगे समझाते हुए डाइसी कहते हैं कि जब डिस्क्रिशन दे दिया जाएगा, डिस्क्रिशन का मतलब स्वयं विवेक दे दिया जाएगा कि चलो अपनी मर्जी से डिसीजन ले लो, अगर ऐसा आ जाएगा ना तो फिर मोनार्च जो होंगे, जो राजा महाराजा होंगे, वो आर्बिट्री पावर भी यूज़ करने लग जाएंगे, मतलब मनचाही अपनी जो है मर्जी यूज़ करने शुरू कर देंगे। तो इसलिए कह रहे हम ये अलाउ नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किंग है, गवर्नमेंट है, वो सबके सब जो होंगे उन लॉ के अंडर काम करते हैं, और हम उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे रहे हैं ताकि वो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रजा है, उनका जो लीगल फ्रीडम ना छीन लें। और वेड ने भी इसी चीज़ को बताया, वेड ने भी इसी चीज़ को बताया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो होंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगी, लॉ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा।
दूसरी कंसेप्ट पे आ जाओ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये तो ऐसी कंसेप्ट है ना जो बहुत जगह पर बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में आराम से दिख जाती है। तो कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति कानून के समक्ष इक्वल है, सब समान है, कानून सबको समान नज़रों से देखता है, किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो सीधे सीधे जो फ्रेंच का हम अभी पढ़ के आए थे ना ड्रॉयड एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके जो थे ये अगेंस्ट जाके खड़े हो गए। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया फ्रेंच के ड्रॉयड एडमिनिस्ट्रेटिव को और जब बोला जिस तरह से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए अलग से है और पब्लिक को गवर्न करने के लिए अलग से सिस्टम है, दो तरीके का वहाँ सिस्टम है, डबल सिस्टम चल रहा है, तो बोल रहे हैं ये नहीं है, सब एक समान है, सब इक्वल हैं। जो गवर्नमेंट है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी जो है एक ही तरीके के कानून, एक ही तरीके की कोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है जाएंगे, वहाँ पे ऐसे कुछ अलग ट्रिब्यूनल्स ऐसा नहीं हम बनाएंगे, ऐसा बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ में डाइसी ने। ठीक है, सिंपल उन्होंने बोला कि जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो सब एक ही तरीके कानून के अंडर आएंगे, और कुछ गलत करेगा कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, कहीं पर भी हो, सबको कानून के समक्ष आना पड़ेगा और सब उसके लिए लायबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सब इक्वल हैं। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने बोली प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट को समझाते हुए डाइसी ने ये कहा कि जुडिशियल डिसीजन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जुडिशियल डिसीजन होना चाहिए कि जब भी कोई केस आए ना, तो वो केस जो जज होते हैं, जो निर्णय ले, उस निर्णय के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा, और फिर उस निर्णय के लेने के अकॉर्डिंग क्या होगा, उससे एक तरीके से एक वो बना रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और न्याय के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम वो बोल रहे थे, डाइसी ने ऐसे बोला कि अगर जो है रिटिन हो जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे क्या होगा, उसमें कभी भी चेंज करके और जो लोग हैं, पीपल हैं, उनसे जो है उनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोकेट किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो जुडिशियल डिसीजन है ना, वो सुपीरियर है, वो होना चाहिए। और उन्होंने कहा इंग्लैंड में ऐसे ही होता है कि वहाँ पर जुडिशियल डिसीजन लिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये तो हमें पता है ये फैक्ट, तो कि ब्रिटेन में क्या होता है कि जुडिशियल डिसीजन को ज़्यादा देखा जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ नहीं है, वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि डाइसी ने भी यही चीज़ बोली कि जुडिशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कभी भी उसमें अमेंडमेंट करो और कभी भी फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन से ले लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशियल सुप्रीमेसी की उन्होंने बात की। प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट से मतलब था कि जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो होनी चाहिए। फिर अब मैरिट्स देख लीजिए, इसके क्या हमें एडवांटेज दिखते हैं, इसकी क्या क्या अच्छी बातें देख लेते हैं। बहुत सही सी बात है, इट प्रूव टू बी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन देयर लिमिट्स। जैसे बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई सब समान है, सब इक्वल है, कोई गलत करेगा तो सबको पकड़ा जाएगा, सबको धरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी पद पे है, किसी डेजिग्नेशन पे, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो थी वो लिमिट में आ गई थी। फिर इट वर्कड एज ए काइंड ऑफ टच स्टोन टू जज एंड टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। वेरी ट्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को देखने, क्या उनकी वैलिडिटी है, क्या उनकी सत्यता है, क्या उनकी आधारता है, वो सब देखने के लिए ये जो डाइसी की थ्योरी थी वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित हुआ। फिर द थ्योरी थ्वार्टर द रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड। हाँ, इसने क्या किया, इस थ्योरी ने जो इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो ग्रोथ होती उसको हिला करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। एज अ सुप्रीमेसी ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ इज एक्सेप्टेड, दे हैव पावर टू कंट्रोल द एक्शंस टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। इसीलिए क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ इतना इंग्लैंड में नहीं हुई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्ट्स के हाथ में पावर आ गई। जैसे अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा, जुडिशियल सुप्रीमेसी की उन्होंने वकालत की। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ कानून का राज होना चाहिए। तो कानून का राज है तो क्या है भाई, जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात को उन्होंने नहीं माना था, जो भी जुडिशियल डिसीजन होंगे उनको माना था। तो इसीलिए बोल रहे कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो उनकी ग्रोथ थी वहाँ इंग्लैंड में कम हो गई थी। डीमेरिट्स, एक्चुअल में ये थ्योरी इंग्लैंड में फुली एक्सेप्टेड नहीं थी। क्यों नहीं थी, ऑपरेटिव नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि 1885 में भी अगर देखे जाए तो वहाँ पर इंग्लैंड में कुछ स्टेच्यूट्स थे, मतलब कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन लॉज थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थे। देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी ट्रू है, लेकिन रिटन बिल्कुल कुछ लॉ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, तब भी कुछ स्टेच्यूट्स थे। ही फेल टू डिस्टिंग्विश आर्बिट्री पावर फ्रॉम डिस्क्रिशनरी पावर। ये बहुत बड़ी बात है, उनको नहीं, इन्होंने डिस्क्रिमिनेट ही नहीं किया कि आर्बिट्री पावर क्या होती है और डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है। अब आप अपने इंडिया का एग्जाम्पल ले लो,
देखो इंडिया में क्या, हम ज़्यादातर जितने भी अभी जितने लॉज पढ़ते हैं उसमें आता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को, जज को दिया जाता है डिस्क्रिशनरी पावर, स्वय विवेक, अपने विवेक से निर्णय ले लें कि जो सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग देख लें। सब कुछ स्टेट्यूज में लिखा होगा, हमारे एक्ट कितने पुराने बन जाते हैं, कितने सदियों पहले हमारे बन जाते हैं, और उसके हिसाब से हम चलने लगे तो बस फिर तो आज की डेट में सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर दोबारा से सब लेजिस्लेचर कानून बनाने बैठे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए डिस्क्रिशनरी पावर जज को दी गई है। तो पर जो डाइसी थे वो इस चीज को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि आर्बिट्री पावर क्या होती है और डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, और इस चीज में वो तो थोड़ा सा मार खा गए, ये वाली बात है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए, इसके अलावा फ्रेंच सिस्टम को जो उन्होंने नकारा ना कि फ्रेंच सिस्टम में गड़बड़ी गड़बड़ है, उसके बिल्कुल एकदम क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया, एकदम बहुत बड़े क्रिटिक हो गए वो कि ऐसा नहीं चलेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हुए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल में है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा फ्रेंच सिस्टम, क्योंकि इसने कंट्रोल किया था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कॉमन लॉ से भी ज़्यादा। तो और जो काउंसिल डे ट्रेड बनी थी वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बनी थी, और ये कोर्ट की तरह ही थी। तो ऐसा नहीं था कि जुडिशियल कंट्रोल से बाहर हो गए थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस थे। तो उन्होंने इस चीज़ को मिसइंटरप्रेट किया अपने इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझाते हुए। अब देखो, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, डेविस ने कुछ चीज़ें बताई हैं, 7 उन्होंने प्रिंसिपल बताए हैं, और उन प्रिंसिपल को बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो है क्या क्या जो है इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल मीनिंग्स उन्होंने बताए। लॉ एंड ऑर्डर आता है इसमें, रूल ऑफ लॉ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉ एंड भाई कानून का राज होगा, फिक्स रूल्स होंगे, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन। अब इन्होंने भी वही बात कह दी कि डिस्क्रिशन नहीं होना भाई, अपनी मर्जी नहीं चलनी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस इन्होंने बोला, फेयरनेस होगी। नेचुरल लॉ को उन्होंने बोला, ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल लॉ, नेचुरल थ्योरी, ये जो हमें पता है ये तो बिल्कुल ज्यूरिसप्रूडेंस पे चला जाएगा, मैं वहाँ नहीं ले जा रही हूँ, बट बेसिकली इतना ये वाली बात है कि हाँ सब कुछ मतलब न्याय की इन्होंने पक्ष करा था। प्रेफरेंस फॉर द जज एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इन्होंने भी वही बात कही क्या कि जज है वो डिसीजन ले, ऑर्डिनरी कोर्ट डिसीजन ले, वही जुडिशियल सुप्रीमेसी की भी उन्होंने बात कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को उन्होंने फिर इंफीरियर माना एज कम्पेयर टू जजेस एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स। और जुडिशियल रिव्यू, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जो जुडिशियल रिव्यू होना बहुत जरूरी है रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करते हुए, उसका एक उन्होंने प्रिंसिपल माना। अब देखिए, इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल ऑफ लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली बात, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप बताओ दिखती है? बिल्कुल दिखती है, प्रियम्बल पढ़ेंगे वहीं पे दिख जाएगा हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया हमारे प्रियम्बल में, आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे दिए, उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो चले जाओ आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जितने भी लॉ बाद में बनेंगे, कानून बनेंगे, उन सब का नींव जो होगा वही मकान खड़ा करा है, इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया है, रिपब्लिक कंट्री बनाया है, मकान खड़ा करा है, तो किसकी नींव जो थी वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने लॉज बनेंगे किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेंगे, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14, हर व्यक्ति समान है, सब जो है इक्वल हैं, कोई भी कम नहीं आका जाएगा, कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, किसी भी तरीके से सब जो है इक्वल हैं, और ये हमारा जो है सबसे बड़ा फीचर है। और द किंग कैन डू नो रोंग, ऐसी कोई एप्लीकेशन इंडिया में नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे बैठा हुआ गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा तो सजा होगी, इक्वल है वो, सभी इक्वल हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, जुडिशियल एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स है, राइट आपके इन्फोर्समेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट होते हैं, नहीं होते हैं तो आपको क्या दिया हुआ है, रिट्स दी हुई हैं, रिट्स के थ्रू हम जा सकते हैं कोर्ट्स में, तो जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्समेंट भी देना है और गारंटी प्रोवाइड करते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ एज ए फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी ट्रू, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी केस में बताया था कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर द थ्योरी प्रोपाउंड की थी इस केस के थ्रू, उसमें जो है रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
मैंने पूरा डिटेल में आपको सब चीज़ें समझाई हुई हैं, ये फंडामेंटल राइट समझाते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, रूल ऑफ लॉ के बारे में आप देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रीनेस एंड डिस्क्रिशन, यस। अब यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन तो उन्होंने ख़त्म किया, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर नोट आएगा एंड नोट ऑफ डिस्क्रिशन, सॉरी यहाँ पर नोट आएगा, आप देख लीजिएगा कि उन्होंने आर्बिट्रीनेस तो नहीं होगी, अपनी मर्जी मनमानी तो नहीं चलेगी, आप अगर आपके हाथ में सत्ता आ गई, पावर आ गई, कोई गवर्नमेंट आ गई तो अपने हिसाब से कानून बनाने लग जाए, ऐसा नहीं होगा, पर डिस्क्रिशन विवेक जरूर दिया है जजेस को, ठीक है ना, तो वो देखना है। फिर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, देखो अभी आप मेरी चीज को मिसइंटरप्रेट मत करना, पहले वाली बात को जो मैंने कहा कि अपने हिसाब से कानून, कानून तो अपने आप से बनाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं बनाने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। इस केस में यही कहा था केशवानंद भारती वाले केस में, बता चुकी हूँ मैं आपको पहले ही, दोबारा नहीं बताऊंगी डिटेल में। कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, अब नाउ व्हाट इज इट, जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ का मतलब जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूटिव को चलना होगा। फेयरनेस इन एक्शन, अब नाउ व्हाट इज इट फेयरनेस इज एक्शन, देखो अभी इसमें क्या हुआ था, अभी अगर एक काम एक ही व्यक्ति को करने लग जाए या सारे काम एक ही व्यक्ति करने लग जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए फेयरनेस इन एक्शन ये कहता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए अलग अलग कमीशन बना लो, बोर्ड बना लो, ट्रिब्यूनल बना लो, और ताकि सब अपना आराम से काम कर सकें। बेसिकली क्या पर्पस है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर को अश्योर करना है और वो रूल ऑफ लॉ से ही पॉसिबल आएगा। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वायबिलिटी ऑफ क्रीमी लेयर, ये भी जो है अश्योर की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में। फिर परवेसिवनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, हर जगह है रूल ऑफ लॉ, हर जगह का मतलब हर भी जो भी लॉ बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, वहाँ कानून का ही शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशरी हो, या फिर हमारी जो है लेजिस्लेचर हो, सब जो होती हैं किसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, कानून के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ लॉ, और केशवानंद भारती वाले केस में तो बहुत अच्छे समझा दिया गया था कि परवेसिवनेस ऑफ रूल ऑफ लॉ है, स्पिरिट ऑफ लॉ है। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि उसमें जो है जजेस को जो है काम करना होगा, जजेस डिसीजन लेते हैं बिल्कुल वही, और अगर कभी ऐसा लगता है कि हार्म हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो मतलब कोई नुकसान पहुंचने की कोशिश हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस वक्त जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको बताइए, हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है, जजेस प्रोटेक्ट करते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब यही है कि जुडिशरी जो होगी वो सुप्रीम है और उस तरीके से रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। इंडिया का